अस्सलाम वालेकुम। इन वीडियो में पढ़ासी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी नई किताबो चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इन चैप्टर जो असा टॉपिक है गैलेक्सीजोम। इन खा अग में अस पेरोक्सीजोम के बारे में पढ़ो होसी। पेरोक्सीजोम हों पेरोक्सीजोम ही जो गैलेक्सीजोम पेरोक्सीजोम गैलेक्सीजोम बिन्न के माइक्रोबॉडीज चो वो है। इन माइक्रोबॉडी अस तने कर चवी साइज लाइसोसोम का भी नंढी होंगी है या बिहार जी सेल ऑर्गेनल उनका भी नंढी होंगी है तने कर माइक्रोबॉडी चो वो है। गैलेक्सीजोम ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड माइक्रोबॉडी होंद यानी ये सेल में स्ट्रक्चर आन सेल ऑर्गेनल नंढड़ी नंढा सेल ऑर्गेनल तने कर माइक्रोबॉडी चो तो वे इन चौधारी सिर्फ असंगे सिंगल लिपिड जो लेयर मिल मेम्ब्रेन मिली ठीक है। ही गैलेक्सीजोम सिर्फ ही सिर्फ प्लांट में मौजूद होंद ओरिजिनेट थी गोल्जी कंप्लेक्स वटा जड़े तरीके से लाइसोसोम पेरोक्सीजोम थींदा तुम्हें गोल्जी कंप्लेक्स के बारे में बुधा तो गोल्जी कंप्लेक्स कुछ सेल ऑर्गेनल डेवलप कंदी है जो मिसाल लाइसोसोम है गैलेक्सीजोम है पेरोक्सीजोम है। ये लाइसोसोम पेरोक्सीजोम गोल्जी कंप्लेक्स ठाईंदी है उतो ओरिजिनेट थींदा ये तो इतने गैलेक्सीजोम उनके बारे में बुधाए तो हि पिण ओरिजिनेट थी गोल्जी कंप्लेक्स वटा। ये गैलेक्सीजोम इनके स्पेशल पेरोक्सीजोम कंसिडर किया वो है। हि खास किस्म जहा पेरोक्सीजोम हूँ पर जे असं प्लांट सेल में सिर्फ मिलता इनकी अस गैलेक्सीजोम की स्ट्रक्चर ऐसों तो इनमें हि लिपिड जो मेम्ब्रेन है सिंगल लेयर है लिपिड जो उन अंदर मैट्रिक्स है पाणिया ठाए या स्ट्रोमा मैट्रिक्स या स्ट्रोमा सागी गाल है जैमें दाणेदार तक स्ट्रक्चर मिल उनमें अंदर तक ही कोर मिल इन कोर में अंदर एंजाइम्स होंदा पेरोक्सीजोम में जे कहन जे रिएक्शन में हेल्प कहना इनको कम कड़ो होंगे मैं बुधा तो दे आर फाउंड इन फैट स्टोरिंग टिश्यूज। ये असं प्लांट के उन टिश्यून में मिलता जे टिश्यू फैट के स्टोर कंदा या उन सेलन में मिलता जिनमें फैट स्टोर थल होंगी है। ही असं सीड के एंडोस्पर्म पार्ट एंडोस्पर्म सीड जो वो हिस्सो हों जो फूड के स्टोर कह हाँ इतने एंडोस्पर्म जहाँ सेल जो लिपिड के स्टोर कन उ टिश्यू जो लिपिड के स्टोर कन उन असन सेलन में असं गैलेक्सीजोम मिलता उते ही कहन जी मतलब सीड जर्मिनेट थी सीड जो फुटड़ो थी ना सीड के फुटड़े लाए जर्मिनेट लाए सीड के कार्बोहाइड्रेट खपे पर लिपिड में पो हों लिपिड सॉरी सीड में लिपिड पई हूँ तो हि गैलेक्सीजोम की मदद से वो है या जी लिपिड स्टोर थल है या फैटी एसिड कें मौजूद हूँ लिपिड में तो लिपिड के तब्दील किया वो है कार्बोहाइड्रेट में यानी फैटी एसिड के तब्दील किया वो है शुगर में। शुगर मिली तो सीड जो है जर्मिनेट थी जै साइकल के जरिए फैटी एसिड के यानी लिपिड के तब्दील क्या कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर में उन साइकल जो नालो हों गाय ऑक्सीलेट साइकल। हि फैटी एसिड की इतना कराई वी है ऑक्सीडेशन कराई वी है फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन कराई वी है उन मदद से उनके तब्दील किया वो है शुगर में। इतने एंजाइम्स इन्वॉल्व होंदा जे गैलेक्सीजोम के कोर में तुम्हें मिलता इतने कड़ो एंजाइम मौजूद होंद जो गाय ऑक्सीलेट साइकल में इन्वॉल्व होंद यानी फैटी एसिड के शुगर में तब्दील कराइन एंजाइम वो कड़ो होंद ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज ही एंजाइम है जो फैट की ऑक्सीडेशन कराई ठीक है। उन ऑक्सीडेशन कराए उन शुगर में तब्दील कह या ही लिपिड के कार्बोहाइड्रेट में तब्दील कार्बोहाइड्रेट यानी फैटी एसिड के शुगर में तब्दील कह शुगर कड़ी इतने होंगी है सक्सीनेट यो सक्सीनेट सीड की जर्मिनेशन ला फुटड़े ला इम्पोर्टेंट हों तने करे फैटी एसिड के सक्सीनेट में तब्दील किया वो है ग्लाय ऑक्सीलेट साइकिल के जरिए उनमें एंजाइम्स एंजाइम इन्वॉल्व होंगे ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज ही जो अमल वो गैलेक्सीजोम में ठीक है। गैलेक्सीजोम असंके उन सीड में मिल सीड लिपिड के स्टोर कह जैमें लिपिड घनी स्टोर थल हूँ जी सोयाबीन है बीन तुम रहा बुधा हूँ रहा जो खाइबा ये
इन सोयाबीन के सीड में तुम्हें उनमें लिपिड या फैट स्टोर थल होंगी तेरे उत गैलेक्सिजोम मिल या केस्टर सीड है उत भी तुम्हें गैलेक्सिजोम मिल लिपिड स्टोर थल होंगी है गैलेक्सिजोम असेंगे उत न मिल जिथे 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 प्रोटीन स्टोर थल होंगी है जिथे असेंगे प्रोटीन होंगी उत गैलेक्सिजोम न मिल याद हो यो टॉपिक जैमें अस डिस्कस किया गैलेक्सिजोम के बारे में इंशाल्लाह अस नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड से डिस्कस कंदी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। खुदा हाफिज़।